तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा दोस्त तुम्हारा? अभी यादव। कहाँ से हो तुम लोग? बिहार। बिहार से। अच्छा तो कैसे एडमिशन हुआ तो बताओ मुझे अपना एडमिशन का, पहले राज बताओ, सीक्रेट सब एडमिशन। एडमिशन जेई का फिर प्रेशन कर रहे थे उस समय। हाँ तो फिर जेई तो हुआ नहीं। हाँ तो सोचे कि सीयूटी दे देते हैं। अच्छा मतलब हीट एंड ट्रायल वाला चल रहा था तो, कि कुछ नहीं मिला चलो सीयूटी देख लेंगे। हाँ तो सीयूटी दिए तो उसमें हो गया, थोड़ा सा एडमिशन फंसा तो आप हेल्प कर दिए तो वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल के फंस गए थे तुम? हाँ थोड़ा फंस, थोड़ा सा फंस गए थे तो आप निकाल लिया वहाँ से। अच्छा बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे तो एक्चुअली ना हम लोग ये बहुत लेट प्लान किए कि चलो हम लोग इसको वीडियो में एक्चुअली शूट करते हैं, नहीं तो बच्चे तो बहुत मिले और मुझे बहुत अच्छा भी लगा आज। अब मैं बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ हैं। आज हम लोग हैं कासिम विश्वविद्यालय का एक एफिलेटेड कॉलेज है जिसको हम लोग बोलते हैं DAV PG कॉलेज। और ऑनेस्टली सेइंग मैं इस कॉलेज में आया लेकिन बस रोड से गुजरा हूँ, इसके गेट को देखा हूँ, कभी अंदर नहीं आया था। आज मैं अंदर आया जस्ट बिकॉज ऑफ सत्यम। मैं चाहूंगा सत्यम तुम भी आ जाना। तो ये भाई शेर है अभी डीएवी का और तुम लोगों का शायद सीनियर होगा। भाई मेरा भी यूट्यूब चैनल है, अभी जवान होते विद्यालय से पढ़ा हूं। और खास बात ये है कि जैसे पाठशाला मेन कैंपस में काम करता है वैसे डीएवी में काम करता है सत्यम का चैनल। स्टूडेंट करियर बहुत बढ़िया, मुझे आई थिंक आप लोग बढ़िया से फॉलो करो क्योंकि अभी काफी अच्छी पहचान भी बना चुके हैं सत्यम जी आपके डीएवी कॉलेज में। बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं मैं देख रहा था सत्यम जिस तरीके से यहाँ पे वॉलंटियर कर रहा था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिए इन लोग का। तो ओवरऑल हम लोग साथ डीएवी के बारे में बस बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले ये बताओ कि डीवी में पढ़ना अभी कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा और जो फैकल्टी सब बड़ा हेल्प करते हैं और यहाँ का जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छा होता है। अच्छा मतलब ओवरऑल कभी एफएमसी के बच्चों से अगर बात हुई हो तो वो लोग से कैसा लगता है, मतलब बात करके कि एफएमसी अलग का? एफएमसी वाले बोलते हैं कि डीवी में अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा एफएमसी वाले तो बोलते हैं कि डीवी में अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा फैकल्टी जो टीचर्स वगैरह काफी हेल्प करते हैं। और एज तुम क्या कहना चाहोगे कि डीएवी अच्छा है कि नहीं है? डीएवी काफी अच्छा कॉलेज है, माहौल भी काफी अच्छा है। जिन्हें एफएमसी ना मिल रहा है उन्हें डीएवी अफकोर्स आना चाहिए क्योंकि ऐसा कंट्रोवर्सी रहता है कि एफएमसी के बच्चे एफएमसी ज्यादा अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है और पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने वाले चाहे डीएवी हो। वैसे देखो आप ना पाने की एफएमसी है तो ज्यादा अच्छा पढ़ाई होता होगा, एक्सपोजर मिलता होगा, यहाँ भी अच्छी चीज है, यहाँ भी एक्सपोजर मिलेगा, आपको अच्छा करोगे यहाँ। अच्छा पाठशाला कितना हेल्पफुल रहा? पाठशाला तो काफी हेल्पफुल रहा, हम तो इसी बेसिस पर मिलेंगे, हमको आप हेल्प किया, आप तो जा ही रहे थे यहाँ से तो हम देख गए, फिर हम कंफ्यूज में थे कि आप ही नहीं नहीं आप अभिषेक भाई बताया ना, अभिषेक भाई मुझे एक चीज समझ में आ गया कि बहुत ही ऑनेस्ट फॉलोइंग चैनल पे। हाँ जब फंस रहा था मेरा तो आप ही के पास कॉल करते थे और तुरंत उठा लेते थे कॉल, जैसे होता है ना कि बिजी है तो अगर नहीं उठा तो बाद में कॉल करते। देखो काउंसलिंग टाइम में बार बार बोलता हूँ था सेंसिटिव, वो एक टाइम पीरियड होता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर देते हो, बस ज्यादा समय नहीं लगता है, 15-20 मिनट का काम होता है, तो वो आगे पूरा एक तरह से लाइफ मोमेंट है उनका भाई, पूरा पढ़ा करियर टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा 10-5 मिनट दे के काउंसलिंग कर। जो पाठशाला को नहीं भी जानते हो एक बार जरा सर्च करें यूट्यूब पे कि पाठशाला के बारे में तो अपने आप ऐसा लगा, एकदम छोटे छोटे टॉपिक पे भी जो है ना उसको। अच्छा वो अच्छा काउंसलिंग के टाइम का कोई मेमोरेबल मोमेंट बताओ जो बड़ा यादगार रहा, जहाँ पे तुम लोग की काउंसलिंग एकदम फंस रही थी, ऑफिशियली फंस रही थी वहाँ पे, मतलब ऑफिशियली काउंसलिंग फंस रही थी जब पोर्टल खुल नहीं रहा था, जर्क आ रहा था पोर्टल पे, पेमेंट भी हो गया था पर पोर्टल खुल नहीं रहा था, ऐसे बहुत सारे ग्लिचेज आ रहे थे। हाँ बहुत ग्लिचेज आ रहा था, तो फिर आपको मैसेज किए फिर उसके बाद कॉल किए तो आप बोले कि सब सही हो जाए, कुछ दिन वेट करो फिर सही हो गया। और मॉपअप राउंड का क्या कहना है? मॉपअप राउंड तो हमको नहीं लगता, आप नहीं रहते तो मॉपअप नहीं रहता। देखो ये सब बातें मुझे भी याद है क्योंकि काउंसलिंग का वो पीरियड नहीं, आपका पास खुद ही बहुत सारा मैसेज आया होगा मॉपअप के। अरे बहुत है, 6000 काउंसलिंग के टाइम में 6000 रेगुलर मैसेजेस थे, मतलब बाकी तो जो वन टाइम मैसेज किए चले गए, जैसे तुम लोग थे बता रहे हो कि रेगुलर पे थे, तो ऐसे 6000 स्टूडेंट्स मेरे यहाँ रेगुलर मैसेज और कॉल पे थे। तो मॉपअप होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जो भी मॉपअप का था वो नहीं होता, जो सीट खाली थी खाली। अच्छा ठीक है, एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे कि एफएमसी में बहुत बच्चों को जैसे लो सब्जेक्ट मिल जाते हैं जैसे संस्कृत मिल गया, पाली, नेपाली, उर्दू, उससे अच्छा डीएवी मिलता है, मतलब कोर सब्जेक्ट जैसे इको, क्वालिटी, इन सब में आना चाहिए उन्हें, डीएवी को चूज करना चाहिए मतलब ओवर द एफएमसी, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए रेदर देन के कैंपस और
ये बात भी सही है। और जब कैंपस ऑलरेडी अच्छा हो तब तो और, जहां तक मैं देख पाया, मैं चाहूंगा कि प्लीज एक बार आर्यन साहब दिखा दीजिएगा ये लोकेशन जो इनका कोर्टयार्ड है। ये बेसिकली क्लास के बीच का वो प्लेस है जहां पे बच्चे थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, और कितनी अच्छी क्लीनिंग है, फ्लावर्स है। बहुत ही सबसे अच्छी बात यह है ना कि क्राउड नहीं है, वो भीड़ भाड़ नहीं है, वो रफ नहीं है यहाँ पे, वो मतलब बहुत ही शांति है, हाँ पीसफुल माहौल है। तो भाई मैं तो कहूंगा कि भाई डीएवी बेस्ट है। डीएवी आज से इस वीडियो के बाद में स्पेशल रिकमेंडेशन कर रहा हूँ इन ऑल स्टूडेंट्स। अब प्लीज आपको, जैसा कि अभी छोटे भाई ने बताया कि आप कैंपस की प्रायोरिटी ना देख के आप अपने एम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की प्रायोरिटी पे बेसिस पे आप चूज करो, चूंकि पढ़ाई से ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये बहुत अच्छा एज ऑब्जर्वेशन बेसिस पे इन्होंने एडवाइस किया है। और मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि भाई बार बार आप लोग, जैसे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आज भी तुम्हारे कैंपस मुझे मैसेज कर देते, आज भी आए थे तुम लोग के साथ रिजल्ट आने वाले, मार्क्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो कुछ के मार्क्स कम आ गए, कुछ के बैक लग रहे हैं। उसमें भी केवल एडमिशन के लिए, एडमिशन के बाद जैसे एग्जाम का वो हो क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, इसी ऐप पे अवेलेबल है, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो या फिर बैक हो जाए या फिर कोई कुछ फंस रहा है, तो उसमें भी है। केवल ये नहीं कि एडमिशन के लिए हेल्पफुल है, उसके बाद भी काफी हेल्पफुल है। देखो एक बात बता दे, जब आपके बच्चा भी समझ जाता है कि इनके पास जाने से समाधान निकलेगा, और ऑनेस्टली बताऊं तो बच्चे का मैसेज ही इसी तरीके से होता है कि सर अच्छे से पता है कि आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, अपनी सर आप मुझे बता दो क्या करना है, जो बोलोगे मैं करूं, मैं करूं। एडमिशन के बाद भी जो है आप हेल्प करते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारा कुछ पोर्टल पे है, ऐप पे है अवेलेबल। अभी तो सीयूटी आ गया, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम लोग को। जब बीएचयू अपना अपने लेवल पे एड्रेस कराता था, तो उस समय जैसे मेरे को जब सिलेबस के लिए कोई कॉल करता, जब मैं यूट्यूब पे आया और जस्ट स्टार्टिंग गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट बैच ऑन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास के लिए, तो उस समय मेरी फीस जो हुआ करती थी पढ़ाने का वो मात्र 199 यानी 199 रुपए, ओनली 199 रुपए में कोर्स सेल करता था। तो कोर्स सेल के पहले जैसे मुझे पहली जब कॉल आती थी तो मैं जस्ट कॉल पिक करता और पूछता कि क्या नाम है, क्या कोर्स है, और उसके बाद कभी कभी तो मैं पूरा एक एक यूनिट उनको पहले पढ़ा ही देता था कॉल पर, मतलब आप मेरा कोर्स लो मत लो, लेकिन पहले तुमने मुझे कॉल किया है, जस्ट मेरे पास आयो, तो आओ पहले मैं तुम्हारा पूरा ये एक सिलेबस जो है ना वो पहले मैं क्लियर ही कर देता हूँ। सारा कंटेंट तो फ्री है, तो कोई भी पेड़ नहीं लिया आपसे, सब कुछ फ्री में ही यहाँ तक आगे, और आगे भी फ्री में ही जाएंगे, क्योंकि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसमें कोई पैसे का तो कोई पैसे का इशू नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है काउंसलिंग। तो बोलेंगे बस रेगुलर फॉलो करते रहे आपको, एडमिशन के पहले और एडमिशन के बाद भी, एडमिशन के बाद ऐसा नहीं कि हाँ एडमिशन हो गया तो नीर भैया से कोई मतलब नहीं, एडमिशन के बाद भी ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी चैनल्स भी हैं लेकिन वो थोड़ा कमर्शलाइज्ड हैं, बच्चों के लिए इतना, मतलब मैं एज अ व्यूअर बता रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ देखो, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ कि अभी कोई बच्चा प्रैक्टिकली चाहे तो इन लोग के कॉल करके देख ले, वो आपका नहीं, नहीं, वो आप नहीं करते, रिसीव भी करेंगे तो समाधान भी नहीं दे पाएंगे, उनको नहीं पता कि एक्चुअली ये किस डिपार्टमेंट का काम है। अगर इनका आया है इस तरीके का, मतलब मार्क्स कम आ गए, अनफेयर मीन आ गया, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या ऑफिशियली कोई प्रॉब्लम है, इन सब चीजों को लेके वो लोग का एक्सपीरियंस नहीं। आप तो सेंट्रल ऑफिस तक गए थे जब फंस रहा था, वहां तक वीडियो देखा, वो एक मेमोरेबल, कोई नहीं गया वहां, वो मेरा एक यादगार मोमेंट था। तो बहुत सारी बातें और भी होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे, कुछ प्रोग्राम भी है, कुछ लोग अभी यहाँ से, तो हम लोग चलो मैं यही विश करूंगा कि जो डीएवी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो प्लीज अपना डीएवी के बारे में और डीएवी को कंपेयर करना बंद करें। हाँ कंपेयर करना भाई छोड़ देना, और इस तरीके से हाँ सर बस टू सर ओनली टू मिनट्स ओनली टू मिनट्स। तो बाकी बढ़िया पढ़ाई होती है, मैंने कहीं सुना की एफएमसी बढ़िया पढ़ाई होती है। हाँ पढ़ाई एफएमसी वाले रेगुलर क्लासेस नहीं होती है क्योंकि प्रोफेसर वहाँ ज्यादा वर्कलोड रहता है, प्लस छोटा परिवार खुशी परिवार। और यहाँ क्या है कि एक ही दो टीचर ना तो आपको पूरा पढ़ाते तो आप उनको पकड़ पाते हैं, चेंजेस में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ के टीचर भी हैं, जैसे बच्चे कम रहते हैं तो सपोर्टिव भी रहते हैं और वन टू वन इंटरेक्शन। बाकी हम बोले कि अभी तो बीएचयू का ही पाठ है, ये अलग नहीं है, बीएचयू में ही है, अरे कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज बता दें, ऑफिसली तो सच में ये सब चीजें तो एडेड ही है, एफिलेटेड मतलब होता ही है, जुड़ा हुआ ये। हाँ सर बस ओनली टू मिनट्स हो गया। तो ये चीजें तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये चीजें एडेड है, बस ये लोगों की मेंटेलिटी है जो इसको जज कर रहे हैं, और जो जज कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। सब सोचते हैं अफिलिएटेड, तो देखो भाई तुम अपनी पढ़ाई करके कुछ बन जाओगे तो तुम्हारा करियर बनेगा और तुम अपने इस कॉलेज का गुणगाने वाले हो, तो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। तो भाई मैं चाहूंगा कि डीवी बच्चे इस वीडियो में डीवी के गुड विशेज को लेके, गुडनेस को लेके जो यहाँ के अच्छाइयां हैं,
जरूर कमेंट करना। सब सोचते हैं भैया कि एफिलिएटेड वाला, एफिलिएटेड एक ही है वो मिर्जापुर वाला, ये सब बेच चुका है पार्ट, मतलब वो दूर है थोड़ा सा। हाँ बस वही है, बाकी सब भी अभी का है। चलो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे कॉलेज। आज मैं स्पेशल रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आपको डीएवी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू योर मेरिट, थोड़ा भी सैड नहीं होना है, उसको एकदम अपना एक लक समझ के, अपनी ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग समझ के कि आपने पढ़ाई करी थी, आपको मतलब एज अ डिजर्विंग कैंडिडेट एस्पायरेंट एज अ स्टूडेंट आप जरूर डीएवी ही आए और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो गेस्ट लोग जा रहे हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, दिखा देना इधर भी सब लोग को, आज यहाँ पे एक सेमिनार है। ठीक है, तो चलो और भी बातें होंगी दोस्त, बहुत अच्छा लगा मिलकर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हर हर महादेव।